तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? तो भाई लोग, आज हम लोग आए हैं एरो ओएस पे, जो कि लेटेस्ट है रियलमी X3 के लिए और काफ़ी एक अच्छी रोम मानी जाती है परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये रोम। तो इसका मैं इंस्टॉलेशन तो नहीं बनाने वाला, क्योंकि ये भी A53 बेस्ड रोम है। तो आप किसी भी A53 बेस्ड वाली रोम से जा सकते हो इस पर। अगर आप A53 बेस्ड रोम पर नहीं हो तो पहले आपको A53 स्टॉक पर जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस रोम को फ्लैश कर सकते हो। तो इस रोम का जो वर्जन देखने को मिलता है, 11 देखने को मिल जाता है एंड्रॉयड वर्जन, और कर्नल इसमें आपको क्विक सिल्वर देखने को मिल जाता है। लेटेस्ट रोम है भाई लोग, आज ही रिलीज़ होगी रोम। सो जैसे ही ये रिलीज़ होगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग देखते रहना वीडियो को कब ये रिलीज़ होती है। और टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर देना, क्योंकि टेलीग्राम पे भी आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो भाई लोग, वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। पहले इसके जो डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, उसके बाद हम इसका 90 FPS टेस्ट भी इसी रोम पे करने वाले हैं। और इसमें आपको ये आइकन पैक जो देखने को मिलता है, काफ़ी कूल लुक दे देता है आपको। जो आप लोग की रोम है, इससे काफ़ी अच्छी और स्टाइलिश देखने को दिखेगी आपको। और इसमें बाकी मैं फीचर्स दिखाने वाला हूँ आपको। मेनली मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इसमें इतनी कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलेगी। जो इसका मेन फीचर है, वो इसका परफॉर्मेंस के ऊपर रहती है रोम। और पहले कैमरा चेक कर लेते हैं। कैमरा आपको वही कस्टम रोम्स वाला देखने को मिल जाता है, जो कि इतना खास नहीं है। आपको इसमें ज़्यादा कुछ फीचर्स भी देखने को नहीं मिलते हैं, तो आप इसकी जगह जी कैम यूज़ कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लेना भाई लोग। तो अब सीधा चलते हैं हम सेटिंग्स में और बाकी इसके फीचर्स देख लेते हैं। पहले रियलमी सेटिंग्स में चलते हैं हम लोग। पहले गैलरी दिखा देता हूँ आप लोग को। इसमें गैलरी आपको नॉर्मल स्टॉक वाली मिल जाती है, जिसमें भी काफ़ी अभी कुछ भी ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते आपको। तो उसकी जगह अगर आप लोग गूगल फोटोज़ यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो रियलमी सेटिंग्स में आपको FPS ओवरले, OTG, वाइब्रेशन स्ट्रेंथ, एम्बिएंट डिस्प्ले, ये सब फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। गेम मोड भी आपको इसमें यही वाला देखने को मिलता है। एम्बिएंट डिस्प्ले अगर आप लोग ऑफ़ करना चाहो तो ऑफ़ कर सकते हो, मैं ऑफ़ ही रखता हूँ, क्योंकि इससे बैटरी सेव होती है थोड़ी। अगर आप इसे ऑन रखोगे तो ये आपकी बैटरी जो कंजप्शन है उसको इंक्रीज़ कर देगा, जिससे आपका बैटरी बैकअप ज़्यादा नहीं चल पाएगा। तो इसे ऑफ़ ही रखना, बाकी आप लोग की मर्ज़ी। अगर आपको ये फ़ीचर चाहिए तो आप लोग इसे ऑन कर सकते हो। तो अब चलते हैं हम सीधा सेटिंग्स में और देख लेते हैं इसमें क्या क्या अदर फीचर्स देखने को मिल जाते हैं कस्टमाइजेशन के। तो सबसे पहले हम लोग चल लेते हैं इसके बटन्स की तरफ। और इसमें आपको एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसको आप इनेबल करके आप जब रिस्टार्ट पे क्लिक करोगे तो आपको रिकवरी और बूट लोडर का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आप डायरेक्टली यहीं से आपके रिकवरी या बूट लोडर में बूट कर सकते हो। और इसमें आपको फीचर जेस्चर्स के जो देखने को मिल जाते हैं, जो आपके जो नीचे नेविगेशन जेस्चर्स आ रहे हैं, इसको आप चेंज कर सकते हो टू बटन में या फिर जेस्चर नेविगेशन में। ये आपके ऊपर है भाई लोग, आप लोग को जो भी कस्टमाइजेशन करनी है अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो ये सब। और स्वाइप टू स्क्रीनशॉट वाले, 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट वाला आप लोग ले सकते हो। तो आपको यहाँ पर ये कुछ ही फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अब बैक चलते हैं हम लोग, और इसमें आपको ज़्यादा और फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे। आप लोग को यही कुछ छोटे मोटे फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला ये रोम कस्टमाइजेशन के ऊपर बेस्ड नहीं है। इस रोम की खासियत सिर्फ इसकी परफॉर्मेंस है। तो भाई लोग, परफॉर्मेंस एक काफ़ी अच्छा देती है रोम ROS, इसलिए मैं इसकी जो मेन पावर है वो परफॉर्मेंस पे ही बेस्ड है। और आप लोग कभी अगर सर्च करोगे गूगल पे तो वहाँ पे भी देख लेना आप लोग को, कि इसका जो मेन वो रहेगा, पर्पस रहता है, वो गेमिंग के लिए ही रहता है। तो गेमिंग के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो। और बाकी अगर आपको बैटरी आइकन सर्कल में चाहिए, तो मैं दिखा रहा हूँ सेटिंग में कहाँ से आप लोग कर सकते हो बैटरी आइकन को सर्कल। तो यही इसके मेन बेसिक फीचर्स हैं, जो कि आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ कर सकते हो। बाकी इसमें आपको कुछ कस्टमाइजेशन नहीं मिलेगा। और आपको इसमें डिस्प्ले में मिनिमम रिफ्रेश रेट और मैक्सिमम रिफ्रेश रेट चूज़ करने का फीचर मिल जाएगा। तो यही थी भाई लोग इसके जो बेसिक डिटेल रिव्यू था। अब सीधे हम लोग गेमिंग रिव्यू करने वाले हैं इसका 90 FPS पे बूट कैम में। तो उसमें देखेंगे कैसी इसकी परफॉर्मेंस रहने वाली है। सो भाई लोग, गेमिंग टेस्ट शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। जैसे ही वीडियो आती है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप लोग टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, उसमें भी आपको लिंक आ जाएगी। तो गेम प्ले पे चलते हैं हम लोग सीधा।
विभक्त तो लगे यार इसको, इसी को दी तो मेमोरी। Location. उसको खेल कर रहा हूँ।
सीज का था बे, बुला रहा था खेलने के लिए। अबे बैलो के लिए आशीष का था। आशीष के लिए खेलेगा, बोला तो था उसने कल, दो तीन दिन में जाएगा। सो भाई लोग, हमारी यहाँ पे टेस्टिंग ख़त्म होती है, और जैसा कि आप लोगों ने देखा, जो हमारे FPS चल रहे थे वो मैक्सिमम जो हमारे चल रहे थे 80 to 90 के बीच में ही रह रहे थे, उससे नीचे नहीं गए कभी भी फाइट के टाइम पे। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, जबकि मैंने अभी कोई और अदर मॉड्यूल परफॉर्मेंस देने वाली वो कोई भी यूज़ नहीं करी हुई, सिर्फ 90 FPS की जो मॉड्यूल है वो यूज़ करी थी। तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दे रही है। अगर आप लोग को एक वीडियो चाहिए कि कैसे हम किसी भी रोम की परफॉर्मेंस बढ़ाएं, तो मैं उसके ऊपर वीडियो डाल दूंगा, कमेंट कर देना ज़रूर से। तो भाई लोग जरूर से ट्राई करो इस रोम को एक बार, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी आपको। अगर आप लोग 60 FPS खेलते हैं तो आपको जो FPS मिलने वाले हैं 58 to 60 मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी एक अच्छा रहने वाला है आपके लिए। तो रोम को ट्राई करो जरूर से, और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई लोग बाय बाय।